नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में आने वाले दिन निर्माण कार्य के हिसाब से बेहद ही भारी होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में बालू की किल्लत और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर आप निर्माण कार्य करवाने की सोच रहे हैं तो पहले रुके और सोच ले, क्योंकि घर बनाना अब और ज्यादा आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। जैसा कि आपको तो पता ही है कि बिहार में इन दिनों बालू खनन का काम पूरी तरीके से बंद है। वहीं आने वाले दिनों में बालू खनन की कोई संभावना भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में बालू की कीमत में बेतहाशा वृद्धि होने वाली है। हालांकि विभाग ने यह दावा किया है कि उसके पास सभी जिलों में बालू का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। लगभग 16 करोड़ CFT यानी कि घन फीट बालू भंडार में है। विभाग का मानना है कि राज्य में बालू की औसतन खपत 4 से 5 करोड़ घन फीट प्रति महीने है। इस लिहाज से देखें तो बालू की कमी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी बिहार में बालू वाले सभी 29 जिलों के घाटों पर खनन का काम पूरी तरीके से बंद है। इसका फायदा अवैध रूप से बालू का भंडारण करने वाले और खनन माफिया उठा रहे हैं। वहीं लोग जरूरत के मनमाने दाम पर बिचौलियों से बालू की खरीदारी करने पर भी मजबूर है। खान एवं भूतत्व विभाग की जानकारी के अनुसार जिला सर्वे रिपोर्ट में कई विभागों की अहम जिम्मेदारी निर्धारित है। हालांकि बिहार में बालू की पर्याप्त उपलब्धता हो, इसको लेकर विभाग भी अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहा है। खनन एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक राज्य के घाटों पर बालू की उपलब्धता का सर्वे का काम कब का पूरा कर दिया है, मगर अभी उसके आधार पर बालू घाटों की बंदोबस्ती कर खनन काम शुरू कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए कैबिनेट से भी मंजूरी लेनी होगी। सूत्रों की माने तो अभी विभागों में कर्मियों और अधिकारियों के कार्यबल की जो स्थिति है उसके अनुसार नहीं लगता है कि अगले 15 दिनों में भी यह संभव हो सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के 16 जिलों को बीते साल ही नवंबर में जिला सर्वे रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। रिपोर्ट में पर्यावरणीय स्थिति, नदियों में बालू की उपलब्धता जैसे कई बिंदुओं को शामिल किया जाना था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही नई खनन नीति को मंजूरी दिया जाना था। जानकारी है कि कोर्ट के आदेश के बाद जिलों ने जिला सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं विभाग की तरफ से हाल ही में साझा की गई जानकारी के अनुसार जून खत्म होने के साथ ही नदियों के बालू घाटों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का आदेश भी लागू कर दिया जाएगा। इसके नियमों के तहत 3 महीने यानी कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदियों से बालू का खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जानकारी के मुताबिक इसके बाद भी 1 अक्टूबर से नदियों से बालू निकालने की इजाजत सरकार दे देगी, इसकी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। लिहाजा मध्य अक्टूबर से पहले बाजार में वैध तरीके से नदियों का बालू नहीं आ सकेगा, यानी कि अब तब तक लोगों को बालू की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो महंगे दर में बालू खरीदना पड़ेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।